नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में आपका स्वागत है। अपना घर बनाने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों पर लुटेरे बिल्डर डाका डाल रहे हैं। तमाम संस्थाएं प्राधिकरण सरकार ने बना रखी है, बावजूद इसके इंसाफ की उम्मीद धुंधली हो चली है। ऐसे भारत समाचार आपकी आवाज़ बनेगा। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे। हम ऐसे लुटेरे बिल्डर्स का पर्दाफाश करके आपको आगाह करेंगे। साथ ही जालसाज बिल्डर्स को जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं पहुँच जाते, हम आपकी मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। तो बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ, ताकि आपके साथ कोई बदमाश बिल्डर फ्रॉड ना कर सके। नोएडा का केवीडी बिल्डर बहुत बड़ा जगलर है। उसने निवेशकों को चूना लगाया और उनकी रकम हड़प ली, और उसके बाद ठेकेदारों से काम कराता रहा। लेकिन जब ठेकेदारों ने पेमेंट मांगा तो कन्नी काटने लगा, और जो चेक दिया वो भी बाउंस हो गया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केवीडी बिल्डर ने ठगा नहीं। पहले निवेशकों से ऐट ली रकम, फिर ठेकेदारों को लगाया चूना, बिल्डर के दिए चेक हुए बाउंस, ठेकेदारों ने काम किया बंद। बिच्छू जानते हैं, बिच्छू किसी का सगा नहीं होता। वो दूसरों को भी ढस लेता है, और जो उसे पालता है पोसता है उसे भी नहीं छोड़ता। यानी कि हिसाब बराबर। अपने कंठ से निकले जहर का इस्तेमाल बिच्छू करता रहता है। जो सामने आता है उसे काट लेता है। बिच्छू की इसी प्रवृत्ति की बात नोएडा और ग्रेटर नोएडा की किसी चौक चौराहे पर खड़े होकर कीजिए। दर्जनों बिल्डर्स के नाम आपको लोग गिना देंगे। ये वाला बिच्छू है, सैकड़ों को काटा। नाना, ये वाला तो सपोला है, इसने हजारों को ढस लिया। बिल्डर्स की यही छवि बनकर रह गई है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि आशियाने के नाम पर रकम तो ले ली, लेकिन बदले में ढस लिया गया। और फिर कभी ना उभरने वाली मूर्छा में निवेशक चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है इन्होंने अपने फन का इस्तेमाल सिर्फ निवेशकों पर किया हो, सिर्फ निवेशकों को ठगा हो। इन्होंने ठेकेदारों को बेगार कर दिया, मजदूरों को मजबूर कर दिया। ऐसा ही एक बिल्डर है केवीटी बिल्डर, जिसने निवेशकों को जी भरकर लूटा, सारी रकम पी गया। लेकिन इसने उन लोगों को भी नहीं बख्शा जो सिर्फ इसकी जुबान पर भरोसा करके इमारत खड़ी किए जा रहे थे। खैर, उनको भी क्या पता था कि ये केवीए बिल्डर किसी का सगा नहीं। केवीए बिल्डर ने ठेकेदारों को लगाया चूना, पेमेंट के नाम पर बनाता रहा बेवकूफ, इमारत दर इमारत खड़ी करते रहे ठेकेदार, केवीडी बिल्डर देता रहा तारीख दर तारीख। ये इमारत देख रहे हैं आप, इसे सिर्फ इमारत मत समझिए, लूट की लंबी दास्तान है। निवेशकों को चूना लगाने के बाद जब केवीए बिल्डर की रकम हड़पने की हवस पूरी नहीं हुई, तो उसने अगला निशाना बनाया यहाँ काम करने वाले मजदूरों को, ठेकेदारों को। उनको रकम के नाम पर तारीख दर तारीख देता रहा। ये ठेकेदार इस लुच्चे की बात पर भरोसा करते करते इमारत दर इमारत खड़ी करते रहे, और लुट गए तो कंठ से साहब की जगह आह निकल आई। केवीडी विंड पार्क, इसमें हमने काम करवाया था, ये बोल के काम कराया कि 15 दिन में पेमेंट दे दूंगा, फिर बताया कि 1 महीने में दे दूंगा। इन्होंने चेक भी दिया, 2 चेक 10,000 का, 40,000 का, वो बाउंस हो गए। फिर ईद आया, फिर इन्होंने बोला कि अब दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे। अब तक इन्होंने काम करवा लिया, कल से ये एंट्री हमारी बंद करवा दिए। मेरा 4.5 लाख के करीब है, और बाकी लोगों से 1 करोड़ के करीब है, और सब लोग हम लोग परेशान हैं। और लेबर को पैसा देना है, और त्यौहार और आ रहा है, ये लोग कुछ कह नहीं रहे, ना फेस करने तैयार है। पहले 15 दिन का वादा किया गया, फिर वो तारीख बिल्डर की जुबान की तरह लंबी हो गई, तो 15 दिन महीने में तब्दील हुए। और जब पेमेंट के नाम पर चिल्लर का चेक पकड़ाया गया तो वो भी बाउंस हो गया। यानी कि लूट की नियत ठेकेदारों की मेहनत पर भारी पड़ गई। इन साहब की शक्ल देखिए, देखकर लगता है कि 10 से 20 लाख तक अपनी जेब से लगा सकते हैं। नहीं ना, ये ठेकेदार महोदय हैं, केवीडी बिल्डर के विंड पार्क में काम करा रहे हैं। अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, इधर उधर से उधार ले लिया, मजदूर आज ताना देते हैं, और केवीडी बिल्डर तारीख की तान सुना देता है। इनको भी लूट लिया निकम्मे केवीडी बिल्डर ने। हम यहाँ पर काम हमारा चल रहा था, आज 5-6 महीने हो गए। पेमेंट का रोज पहले बताया था कि हमें आपकी 45 दिन के अंदर पेमेंट होगी, हमने उस बेस पे इसमें लगा दिया। विद मटेरियल हम काम कर रहे थे,
तो उसके बाद में फिर एक चेक दिया, चेक भी बाउंस हो गया हमारा, ठीक है। और उसके फ्यूचर में आगे मिलेगा 10 तारीख को, फिर 10 तारीख को ऐसे ऐसे टाइम लगता चला गया। उसके बाद में क्या हुआ कि अब हमारे यहाँ पर लेबर आई तो इन्होंने एंट्री बंद कर दी। आज एंट्री बंद कर दी तो हम लोगों ने फिर पुलिस को बुलाया बिसरख थाने से, 100 नंबर कॉल करके। जब बिसरख थाने से बुलाया तो वो लोग आए तो इन्होंने ये जवाब दिया है कि हम आगे मालिक से बात करके, जो भी लोग हैं यहाँ पर KBD वाले, ये आगे जवाब देके फिर हम शाम को बताएंगे और कल थाने से बात। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन लुटे हुए लोगों की संख्या कम नहीं पड़ेगी। किसी ने 10 लाख, किसी ने 20, किसी ने 25, तो किसी ने 30 से 40 लाख KVD बिल्डर के इस विंड पार्क प्रोजेक्ट में लगा दिए। यानी कि बिल्डर पर कुछ था ही नहीं, निवेशकों से लिया पी गया और फिर ठेकेदारों से बिन पैसे इमारत खड़ी करवा दी, जिससे निवेशक हल्ला ना करें। अगर हल्ला करेंगे तो इमारत दिखा दी जाएगी कि बन तो रही है, लेकिन जो इमारत में रकम लगा रहे हैं उनकी रकम हजम करके या KVD बिल्डर। फिलहाल पुलिस से शिकायत की गई। इस खुली लूट पर पुलिस मासूमियत का परिचय दे रही है कि बैठकर बातचीत करवाएगी, जैसे शादी.com खोला है और जोड़े बनवाने का काम किया जाता है। फिलहाल ठेकेदार परेशान है, बिल्डिंग का काम रोक दिया गया है। जिन निवेशकों का पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा था वो भी पी गया KVD बिल्डर। हमारा पैसा निकले, हमने काम किया हुआ है, सब भाई खड़े, सब ठेकेदारों को पैसा निकले हैं, यहाँ पे 50 लाख रुपए के करीब है सबको लगा के, स्टाफ को सबको लगा के, इनको और ज्यादा रुपया है, स्टाफ का तो और काफी है, 3 करोड़ रुपए बताते हैं। KVD बिल्डर के विंड पार्क प्रोजेक्ट की सच्चाई घिनौनी है। इसने निवेशकों की रकम को हजम कर लिया, ठेकेदारों को लूट लिया और प्रोजेक्ट अधर में लटका है। अब बनेगा या नहीं वो भी पता नहीं, क्योंकि कोई ठेकेदार इस फरेबी के प्रोजेक्ट में काम करना ही नहीं चाहता और ये निकम्मा बिल्डर किसी को रकम देना नहीं चाहता। बेईमान बिल्डर सिर्फ बायर्स को ही नहीं लूटते, वो लोग जो इन बिल्डिंगों का खड़ा करते हैं उनको भी लूट लेते हैं। सबूत आपके सामने है कि किस तरह VKD बिल्डर ने उन ठेकेदारों तक पैसे नहीं दिए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी, पैसे के वादा किया और जब जब उन लोगों ने पैसे मांगा तो पैसे नहीं दिए, तो अब ये लोग आंदोलन पे उतारू हैं। पुलिस से भी शिकायत करी गई है, लेकिन ये बेईमान बिल्डर अब सामना करने को तैयार नहीं हो रहा है। देखना होगा कि आने वाले वक्तों में आखिर कब तक पुलिस इन बेचारे ठेकेदारों की गुहार सुनेगी और कब तक इनको इनका पैसा वापस मिल पाएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। और गाजियाबाद के गार्डेनिया ग्लैबर में रहने का आप सपना देख रहे हैं तो ये सपना टूटने वाला है, क्योंकि इस गार्डेनिया बिल्डर ने कई निवेशकों को चूना लगा दिया और उनकी दी हुई रकम को दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। गार्डेनिया ग्लैमर में खुली लूट, निवेशकों को जमकर लूटा, बायर्स की रकम कर ली हजम, दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया पैसा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चोरों की मंडी सजी हुई है। हर तरह की कलाबाजियों से लैस बिल्डर मौजूद हैं। शातिर बिल्डर, चोर बिल्डर, उचक्का बिल्डर, डकैत बिल्डर, जगरों की भरमार है। बस तय आपको करना है किस तरह के बिल्डर से मिलना है। यहाँ पैसा फेंककर तमाशा देखा नहीं जाता, बल्कि पैसा फेंककर तमाशा बन जाता है। रकम भी दे दी जाती है, EMI भी दी जाती है, आशियाना नहीं मिलता और सिर छिपाने के लिए जो छत किराए पर लेते हैं वो भी महीने दर महीने खून जलाती है। ये वो घिनौनी सच्चाई है जिसे ढकने की कोशिश कई बार हुई, कभी बिल्डर की तरफ से, कभी प्राधिकरण की तरफ से, तो कभी पुलिस की तरफ से, लेकिन इसका अंत करने की कोशिश नहीं की गई। अगर प्राधिकरण कोशिश कर लेता तो इन अफसरों की एक्स्ट्रा इनकम आना बंद हो जाती, जिसके बाद सड़क पर प्रदर्शन हुए, लोगों को अपने गले की नसों को फुलाना पड़ा, चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, लेकिन शासन से लेकर प्रशासन तक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन चोरों की मंडी में नया प्रोडक्ट आया है जिसने चुपके से लोगों का माल हजम कर लिया और बड़ी मेहनत से लुटेरे बिल्डर्स के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। चोरों की मंडी में आया नया बिल्डर, गार्डेनिया ग्लैमर ने दिखाया अपना ग्लैमर, फिर लोगों को लूटा झोली भर भर, करोड़ों रुपए हजम कर गया बिल्डर। शासन भी चुप, प्रशासन भी चुप। ये गाजियाबाद के वसुंधरा में बन रहा गार्डेनिया ग्लैमर फेज 2 प्रोजेक्ट है जिसने लोगों को अपना ग्लैमर दिखाया।
ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा, फलाना धमाका का तमाशा किया और लोगों को झोली भर भर कर लूटा, और जो रकम आई वो दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दी गई। लाख दो लाख का मामला होता तो शायद सोच भी लिया जाता, लेकिन इस लुच्चे बिल्डर ने करोड़ों हड़प कर लिए। यही नहीं, आवास विकास परिषद और कॉरपोरेशन बैंक का भी करोड़ों हजम करके बैठा है, जैसे इसकी पापौती हो, सारी रकम हड़प कर अपनी अय्याशियों को पूरा करने में जुटा हुआ है गार्डेनिया बिल्डर। बिल्डर ने निवेशकों को जमकर लूटा, हाथों में ली रकम और कर गया हजम। ना प्राधिकरण को दिया पैसा और ना बैंकों को चुकाई रकम। बायर्स ने खोला गार्डेनियर बिल्डर के खिलाफ मोर्चा। इस लुच्चे बिल्डर ने धीरे धीरे करके हजारों लोगों को चूना लगा दिया, और जब जब बायर्स ने आशियाने का सवाल पूछा तो टरका दिया, जिसके बाद बायर्स ने सड़क पर लड़ने का मूड बना लिया है। गार्डेनियर ग्लैमर का ग्लैमर दिखा दिखा कर जिस तरह से निवेशकों को लूटा, वही निवेशक इसे एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी पगार पर पल रहे खाकी के लाल मौन हो गए हैं, चुप्पी साध ली है। भारत समाचार के लिए गाजियाबाद से लोकेश राय की रिपोर्ट। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेपी बिल्डर ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक लूट की अनंत कथा लिखी है। किसानों को बरगलाया, जमीन हड़पी और मुआवजा तक नहीं दिया, जिसके बाद किसानों ने मोर्चा खोल दिया और जेपी बिल्डर के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की है। ये रिपोर्ट देखिए। जेपी ने नोएडा को लगाया चूना, जेपी ने ग्रेटर नोएडा को लूटा, किसानों को भी नहीं बख्शा जेपी ने, जमीनें भी ली और मुआवजा नहीं लिया। जेपी ने लूट की मन में ठान रखी थी, इसलिए उसने सबसे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा को शिकार बनाया, चुन चुन कर निशाना बनाया। मुकेश, सुरेश, सुभाष, प्रभाष, किसी को नहीं छोड़ा, और छोड़ता भी कैसे, आखिर प्राधिकरण ने आशीर्वाद जो बना रखा था, इसलिए वो लूटता चला गया। लेकिन जेपी की लूट की कोई सीमा नहीं है, एक छोर से दूसरे छोर तक सबकी रकम हजम करने की अद्भुत क्षमता से लैस है जेपी, इसलिए अपने इस लूट के कारोबार को एनसीआर से बाहर तक फैलाया। आगरा तक अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत लोगों को बरगलाता रहा, लूटता रहा। किसानों की जमीन पर नजर पड़ी तो धूर्त की निगाहें चकाचौंध हो गई कि आखिर ये जमीन उसकी नजर से दूर कैसे थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो जल्दीबाजी, लगा दिया दाव और दे दिया घाव। जेपी टाउनशिप के नाम पर आगरा के किसानों को बरगलाया गया, कहा अगर टाउनशिप के लिए जमीन दोगी तो लखपति से करोड़पति बनने तक का ऑफर, और ध्यान रखना देर मत करना क्योंकि ऑफर सीमित वक्त के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि रामलाल करोड़पति हो जाए और श्यामलाल तुम खेती के नाम पर बस हजार रुपए कमाया करो। तो लोगों को लगा यही बढ़िया मौका है, पाई पाई इकट्ठा करके जो जमीन खरीदी थी उसका इससे बेहतर मोल क्या हो सकता है, और तो और शासन भी साथ खड़ा है, तो जो कह रहा है जेपी सही कह रहा होगा। वैसे भी जमीन मर्जी से नहीं थी तो फिर भी इसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा, तब ना जाने क्या मुआवजा मिलेगा। तो एक काम करते हैं, जेपी को जमीन दे देते हैं। जेपी टाउनशिप के नाम पर थी जमीन, किसानों ने जेपी को थमा दी जमीन, 9 साल से कर रहे हैं मुआवजे का इंतजार, सर्दी गर्मी बरसात आई मुआवजा नहीं आया। आगरा के किसानों ने अपनी जमीन लुटेरे जेपी बिल्डर को थमा दी थी, जिसके बाद उनको लगा जल्द ही वो करोड़पति होने वाले हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि जेपी लुटेरा है, वो लूट लेगा दिन सप्ताह में, सप्ताह महीनों में, और महीने साल में तब्दील होंगे, और एक दो साल नहीं पूरे 9 साल। आगरा के कई किसान 9 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं,
किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए तो किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जेपी को जमीन दी थी। बेटी की शादी कब की हो चुकी है, बच्चे पढ़ लिख कर जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा नहीं दिया इस लुटेरे ने। हाँ, मुआवजे के एवज में देता है बस तारीख, और उस तारीख पर देता है अगली तारीख। ये 9 साल ऐसे ही नहीं बीत गए, इसके लिए बकायदा निकम्मेपन का कोर्स किया है जेपी बिल्डर। जेपी टाउनशिप का किसानों ने किया विरोध, सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। अधिग्रहित जमीन वापस करने की मांग की, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। 9 साल से नहीं मिला है किसानों को मुआवजा। सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच गए कलेक्ट्रेट, सीधा सवाल पूछा, बता दीजिए आज साफ साफ आप हैं किसकी तरफ, उस लुटेरे की तरफ जिसने हमारी जमीन हड़प ली, मुआवजा नहीं दिया और हमने विरोध किया तो हम पर ही मुकदमा करा दिया। या फिर हमारी तरफ तय करो और हमको बताओ, 9 साल से मुआवजा नहीं दिया गया है। हाँ, हमारे खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज कर दिया, ये कैसा इंसाफ है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया गया, जेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई, ये चीख ये पुकार बताने के लिए काफी है कि ये संघर्ष कितना पुराना है, और इस पर अफसरों की चुप्पी बताने के लिए काफी है कि इस लुच्चे जेपी के खिलाफ संघर्ष का दौर कितना लंबा और चल। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे टाउनशिप बनाने को लेकर जेपी ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया। 9 साल पहले अधिग्रहण हुई इन जमीनों पर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो चुका है। साथ ही 8 गांव के किसान जिन्होंने जमीन देने से इनकार किया उन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने प्रशासन से ये मांग की है कि अगर उनकी जमीनों को जल्द वापस नहीं किया गया तो वे एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अनुपम पांडे, आगरा, भारत समाचार। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको एक और लुटेरे से मिलवाते हैं। नाम आम्रपाली, जिसने लोगों को तरह तरह से लूटा, कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी किसी और फैसिलिटी के नाम पर, लेकिन बिजली का बिल भी वो लाखों में रेजिडेंट से ऐंठता रहा, लेकिन वो रकम कभी बिजली विभाग को दी नहीं गई, जिसकी वजह से आम्रपाली के जोड़िए सोसाइटी की बिजली गुल कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आम्रपाली का एक और कारनामा, रकम की हवस में हो गया है अंधा। जोड़ी एक सोसाइटी में रहने वाले परेशान, अंधेरे में कट रही हैं दिन और रातें, बकाया होने पर काट दी गई सोसाइटी की बत्ती। आपको अजूबों की इमारत में रहना है तो नोएडा में आपका स्वागत है, जहां आम्रपाली लाया है आपके लिए बद से बदतर प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें रहने के बाद आपको अपनी रकम बेमानी लगेगी कि क्यों इतनी मेहनत की जब बिन बिजली ही रहना। जिंदगी रोशन करने के लिए आपने करोड़ों रुपए थमा दिए, लेकिन एकाएक आपको पता लगे कि बिजली गुल और बिजली अब कभी नहीं आएगी। बाहर निकलकर झांक कर देखें तो बगल वाली बिल्डिंग जगमगा रही है और आपकी इमारत बीहड़ की तरह नजर आ रही है। यही अनुभव कराने की ही तो ठानी थी आम्रपाली ने, तो बना दिया नोएडा के सेक्टर 120 में जोड़ी एक सोसाइटी के नाम पर प्रोजेक्ट, जिसमें दिन ढलते ढलते कब लाइट चली जाए और कभी ना आए ऐसा संभव है। दरअसल जोड़ी एक सोसाइटी में सैकड़ों निवेशक इसी अनुभव के साथ रहने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि वहां लाइट नहीं है, लाइट आती है लेकिन जनरेटर चलाकर, जिसका दाम दुगना है, यानी कुकर्म आम्रपाली के और भुगतना रेजिडेंट्स को पड़ रहा है।
आम्रपाली की जोड़ी एक सोसाइटी बनी बीहड़। बिजली विभाग ने काट दी सोसाइटी की बिजली, 65 लाख का बकाया तो कनेक्शन हुआ कट। जनरेटर से बिजली लेने को मजबूर रेजिडेंट, जनरेटर से बिजली के दाम मानो आत्मा। आम्रपाली की जोड़ी एक सोसाइटी में मेंटेनेंस के नाम पर, कभी किसी और व्यवस्था के नाम पर रेजिडेंट्स की जेब काटी जा रही। बिजली का बिल भी यहाँ के रेजिडेंट वक्त पर दे देते हैं, लेकिन बिल का भुगतान होता है वो बिजली विभाग को ना होकर सीधे लुटेरे के हाथ में देते हैं। आम्रपाली हर महीने बिजली के नाम पर रेजिडेंट से लाखों रुपए वसूलते हैं, लेकिन उस रकम को उसने बिजली विभाग को कभी नहीं दिया, जिसके बाद बिजली विभाग ने 65 लाख रुपए बकाया होने का नोटिस कई बार सर्व किया। लेकिन आम्रपाली है चिकना घड़ा, तो नहीं पड़ा फर्क कौन से उसके बंगले की बत्ती गुल होने वाली है। नहीं किए जमा, जिसके बाद जोड़ी एक सोसाइटी की बत्ती एकाएक गुल हो गई। रेजिडेंट्स घंटों इंतजार करते रहे, सुबह से शाम हो गई, तब जाकर पता चला कि सोसाइटी की बिजली तो काट दी गई है, और फिर खुलासा हुआ आम्रपाली के कुकर्मों का। जोड़े एक सोसाइटी पर 3.25 करोड़ रुपए बकाया। UPPCL ने सोसाइटी की काट दी थी बिजली। बिल्डर पहुंचा कोर्ट, हर महीने बिल जमा करने का किया वादा, लेकिन धूर्त अपनी धूर्तता से नहीं आया बात। नहीं किया बिल जमा तो फिर काट दी गई बिजली। दरअसल आम्रपाली की जोड़े सोसाइटी पर बिजली विभाग का करीब 3.25 करोड़ रुपया बकाया। इसी की वजह से पहले भी जोड़े एक सोसाइटी की बत्ती गुल कर दी गई थी। तब आम्रपाली बिल्डर कोर्ट पहुंचा था और वादा किया था हर महीने बिजली का बिल जमा करेगा, लेकिन आम्रपाली को रकम की हवस इतनी है मुकर गया वादे से, जिसकी वजह से उसके ऊपर 65 लाख रुपए और बकाया हुआ। जिसके बाद एक बार फिर से बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए सोसाइटी की बत्ती गुल कर दी। इसके बाद तो मानो आम्रपाली की लॉटरी लग गई। आनन फानन में रेजिडेंट्स की जेब पर डाका डालने का रास्ता खुल गया, जनरेटर शुरू किया गया और जनरेटर से बिजली देने के एवज में दुगनी रकम वसूली गई। इस लुटेरे की लूट और बार बार कट रही बिजली से रेजिडेंट्स परेशान हो चुके। भारत समाचार के लिए नोएडा से दानिश अजीज की रिपोर्ट।